है ना, ये गोबर उड़ा है, गोबर में ही रहते हैं इसका, इसलिए इसका नाम गोबर है। इसके अंदर बहुत सारे होंगे, देखिए कैमरा में नज़दीक दिखाइए, देखिए ये सब नज़ारे जंगल में ही ऐसे देखने को मिलते हैं। और हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस टाइम हम जंगलों में तो हैं, प्लस जंगल के और घुस घुस के जंगल में घुसे हुए हैं। चारों तरफ देख लीजिए, मेरे कैमरा में चारों तरफ आप लोगों को भी दिखा देते हैं। देखिए बीच में घुसे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का सीन है, क्या खूबसूरत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं सोचा कि वीडियो शूट कर लिया जाए, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत ही ऊपर भी देख लीजिए, आसमान देखना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि इतना घना जंगल है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो शूट कर लिया जाए, आप लोग देख सकते हैं इधर। देखिए ये शेर और लगाने के लिए गवर्नमेंट से खुदाई करवाई है, नाली बनाई है ताकि इसमें पेड़ लगाया जाए और पौधों को और विकसित किया जाए, जंगल को और विकसित किया जाए। देख सकते हैं इधर गाइस, और पेड़ों को देखिए लगातार ये तो ये पेड़ है, इसमें देख रहे हैं सांप, सांप की तरह पूरा ये लिपटा हुआ है, काला काला आप लोग देख सकते हैं इधर, उधर दिख रहा होगा। तो ये देखिए पूरा जकड़ा हुआ है वहाँ पर लगा हुआ, ये कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो जंगल में ऐसे दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें बहुत होती हैं, देखने में बहुत मज़ा आता है, घूमने में बहुत मज़ा आता है। और हम लोग जो हैं जंगल प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए घूमते रहते हैं और ब्लॉग शूट करते रहते हैं। और इसीलिए मैं ब्लॉग का चैनल ही बनाया कि ताकि आप लोगों को अपने साथ साथ आप लोगों को भी इससे, इस माहौल से, इस खूबसूरत नज़ारों से रूबरू कराया जाए। तो इस वीडियो में यही था। चलिए देखिए खूबसूरत रोड देखिए, इसके ज़मीन देखिए, रोड देखिए, ये लाल रोड है। ऐसे रोड आप लोग को बहुत कम मिलने को देखने को मिलते होंगे, लाल रोड। पहले इसकी इसकी क्वालिटी दिखाइए कैमरामैन, रोड की क्वालिटी दिखाइए कि ये लाल रोड है। और नज़ारा देखिए खूबसूरत कितना, चारों तरफ पेड़ है, बीच में सकरा रास्ता गया हुआ है, कितना मज़ा आ रहा है देखिए। आप लोग बने रहे हैं और चलते हैं गाइस। देखिए ये है भटकैया, जिस जो देखने में लगता है कि ये बैंगन का एकदम सेम वही क्वालिटी, वही सब कुछ, पूरा इसका पेड़ का स्ट्रक्चर, उसके फूल, सब कुछ जैसे लगता है कि बैंगन है। और देखिए बैंगन की तरह ये फूलता भी, फलता भी है। इसमें बहुत ज़्यादा गाइस कांटे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कांटे देखिए। और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यह है मेरे एरिया का खूबसूरत नज़ारा, जो कि बिल्कुल कश्मीर से बिल्कुल भी कम नहीं है। सारा नज़ारा, सारा खूबसूरती हमारे इस एरिया में है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। ऐसे जगह के लिए लोग तरसते हैं, हम लोग ऊपर वाले की देन है कि हम लोग इतने खूबसूरत जगह पैदा हुए हैं और भली भांति इस खूबसूरत लुत्फ, इस खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ भी लेते हैं, घूमते भी, फिरते भी हैं, क्योंकि हम लोगों को एक जुनून होता है दिल में कि नहीं प्रकृति में घूमना है, जाना है। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते रहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आइए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये बोलते हैं इसको गोबरौरा, उड़ गया ये देखिए, देखिए देखिए ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये गोबर में ही होते हैं, जहाँ गोबर रहता है ये उसमें पैदा होते हैं। और देख लीजिए ये बड़ा सा है ना, ये गोबर उड़ा है, गोबर में ही रहते हैं इसका, इसलिए इसका नाम गोबर है। इसके अंदर बहुत सारे होंगे, देखिए कैमरा में नज़दीक दिखाइए, देखिए ये सब नज़ारे जंगल में ही ऐसे देखने को मिलते हैं। और एक तरह से ये खाद भी, खाद का बहुत अच्छा काम करता है, धान के फसल में अगर ये सब डाल दिया जाता है तो फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी को बोलते हैं उर्वरक खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, असली जैविक खाद है ये। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने आशियाने की तरफ। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि वीडियो में बने रहें और वीडियो में दिखाते हैं, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, जैसे लग रहा है कि कश्मीर का
वादियाँ हैं, यहाँ का देखिए ये पानी का पुल है। यहाँ पर एक बार नक्सलियों का हमला हुआ था जिसमें लगभग 20 से 25 PSC के जवान मारे गए थे। आप लोगों को आइए मैं दिखाता हूँ, इधर देख सकते हैं आप लोग, ये पुल है, आर्मी की गाड़ी इधर से आ रही थी उस समय, लगभग ये 15-20 साल पहले की बात है। और ये पुल के नीचे वो माइंस लगा दिया गया था नक्सलियों के द्वारा, और वो उस झाड़ियों में जाकर वहाँ पर उसका रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे, जैसे गाड़ी इस पर आई और ट्रांस करके पुल उड़ गया और लगभग 20 से 25 आर्मी मर गए थे बेचारे। और उसके बाद भी किस सामान को पूरा उठा लिए, जितना भी घड़ी उड़ी जो भी उसमें, और उसको उन लोगों को लगता था कि आदमी जिंदा है, उसके बाद भी उस पर 2-4-10 फायर छोड़ दिए थे। तो बहुत बेरहमी से उनके साथ कत्ल उनका किया गया। उसके बाद से जितने भी पुल थे उन सबको नीचे से मट्टी लगा कर बंद कर दिया गया। तो यही पुल था वो, और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये लगभग जो घटना बताई लगभग 15 से 20 साल पहले की है। और देखिए पानी, जब बारिश का टाइम जब होता है तो ये पानी इसके ऊपर से कितना पानी चलता है। और हम लोग लगभग जंगल में बहुत ज़्यादा, अपने घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर हम लोग अंदर बीच में आ गए हैं। सामने इधर बांध है, मटेहली बांध का वो पूरा एरिया दिख रहा है बस। और मौसम देखिए कितना खुशनुमा हो गया है, हो सकता है कि बारिश 2-4-10 मिनट में गिर जाए। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।